हमने उठाए हैं सवाल, मांगे हैं जवाब। कैसे यूपी के लोगों को भरोसा दिलाएंगे? इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 2,00,000 करोड़ के रोड हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारे रेजिम में बनाएंगे। बीजेपी का शासन आने के बाद कानून और व्यवस्था प्रस्तावित की जाएगी। जो रेप करने वाले गुनेगार है उनको कुचला जाएगा। हमने ये वादा दिया है कि हर एक को 24 घंटे बिजली मिलेगी और गरीबों को पहले 100 यूनिट मात्र 3 रुपए में। हमारी पार्टी संकल्पित है सबका साथ सबका विकास पे हम विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको सुरक्षा भी देने का काम करेंगे। जो वो उपज करने वाले हैं उनकी खरीद सपा सरकार में कहीं नहीं होती, उसकी खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जब अच्छा कठोर निर्णय लिया जाता है तो छोटी मोटी कठिनाइयां आती है। लोगों ने सहन करते हुए भी स्वयं का पैसा लेने के लिए लाइन में लगे थे, फिर भी इस योजना का समर्थन किया। आज जो 6 एम्स दिए हैं हम पूरे देश में दिल्ली के अलावे, उसका 1 एम्स गोरखपुर में बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में दोष नहीं है, दोष है उत्तर प्रदेश पुलिस को संचालित करने वालों में। प्रदेश का मुखिया अगर चाहता है कि गुंडे बदमाश यहाँ पे नहीं रहे और शांति व्यवस्था हो तो सब कुछ सबको है। जो उद्योग धंधे जहाँ लगाना चाहते हैं उनको अच्छा वातावरण दे और उनमें रिश्वत न मांगे, उद्योग धंधे भी लगने लगेंगे। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2022 तक हम पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे 7 दिन बत्ती देंगे। पीएम मोदी खुद क्यों इस चुनावी दंगल में आए? वह एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ सांसद भी हूँ। मेरा अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करने का एक नैतिक और स्वाभाविक हक है। झांसी की विरासत वर्ल्ड ओवर फेमस है, टूरिज्म को यहाँ कैसे ले जाए? प्रधानमंत्री जी के दिल में एक विशेष जगह है, विशेष दर्द है अपने बुंदेलखंड वासियों के लिए। पर्यटन की दृष्टि से, अन्य सुविधाओं की दृष्टि से बुंदेलखंड का विकास ऐतिहासिक तरीके से करा